अक्सर जो है ना लोग बोलते हैं कि वे पॉलिटिक्स में किसी की लाइफ सेट हो जाती है इसीलिए आते हैं। आपकी तो पहले से फ्यूचर लाइफ सब कुछ सेट है और रोहतक के अंदर जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और बड़े अच्छे स्तर पर आप काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड से एकदम से डॉक्टरी फील्ड से हटकर एकदम से पॉलिटिक्स में क्यों? अपने इलाके में सेवा करना चाहता हूँ, तो राजनीति ही एक माध्यम है जिससे मैं अपना दायरा बड़ा कर सकता हूँ। वैसे रोहतक से आए हैं, हुड्डा साहब के काफी करीब से आए हैं और उनके काफी करीबी भी माने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चर्चा तो हुई होगी। अगर मैं मजबूत होऊंगा तभी मिलेगी, बाकी सर्वे में जो आएगा। जी, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पिछले कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। इतनी भीड़ में, दावेदारों की इतनी भीड़ में संजय जौहर अपनी दावेदारी सबसे मजबूत किस तरीके से करेंगे, किस बिहाफ पे करेंगे? देखो, मेरा काम है लोगों के पास जाना, उनको पूरा विश्वास दिलाना कि मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, मैं इनसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। जी, लोगों को लगेगा वो साथ देंगे। मनीराम जी के दोहते हैं, आप नाती हाँ जी, हाँ हैं, जी, तो वो लेगेसी कितनी हेल्पफुल रहने वाली है, कितनी मददगार रहने वाली है आदमपुर इलेक्शन के अंदर, ये चुनाव लड़ने में या ये गढ़ ये किला हिलाने में कांग्रेस? चौधरी मनीराम जी को द्वारा बहुत पुराने लीडर थे, जो भी पुराने लोग उनकी शख्सियत को जानते हैं वो बहुत मजबूत थे, अपने बातों बात के पक्के थे, जो वो कह देते थे वो करते थे। और इंडिपेंडेंस के बाद से ही वो फर्स्ट असेंबली के मेंबर भी रहे, एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक उनकी छवि पे किसी ने कोई दाग नहीं लगाया। दाग नहीं लगाया, किसी ने उंगली उठा के नहीं करी, और हमेशा उनको मजबूत नेता के तौर पे जाना जाता है। क्या मुद्दे मानते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आदमपुर के अंदर होने चाहिए या जिन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, आपका विजन क्या है? बीइंग अ डॉक्टर, मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य का देखूंगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर है वहाँ पे। जी, आप अगर घूमे हो, ढाणियाँ हैं इतनी सारी है, इतने इंटीरियर्स के गांव हैं, अगर रात बिरात कोई बीमार हो जाए तो उनको डॉक्टर या कोई भी नर्स वगैरह मिलना ही मुश्किल है। तो स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। मैं चाहूँगा कि हर गांव में ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि सबको कम से कम इस चीज़ से महरूम ना रहे। जी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ढाणियाँ बहुत सारी हैं, ढाणियों के रास्ते कच्चे हैं, ढाणियों तक आज तक इस मतलब 100 साल पूरे होने को ये और हैं अपन, और उनके बिजली से महरूम है, तो पीछे से बिजली के खंभे लगाए थे वो भी उखाड़ ले गए, तो बहुत सारी ढाणियों में बिजलियां भी नहीं है। तो और ये अपने आदमपुर में क्या है कि पीछे से जो सुनने में आ रहा है कि सारी सड़कें खुदी हुई हैं और जो पीने का पानी है वो सीवर का मिक्स होके आ रहा है, तो उनको पीने का पानी भी जी, इतना नहीं है। तो सबसे पीने का पानी, साफ पीने का पानी, पीने लायक पानी, ये तो बिल्कुल ही बेसिक नीड है, बिल्कुल, जो मेरे को लगता है कि आज के दौर में जब अपन विकसित भारत की बात करने की सोचते हैं तो कम से कम है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि हर गांव में आरओ प्लांट लगे हुए हो तो साफ पीने का पानी तो मिले। जी, इस दौर में अगर सीवर का पानी पीना की वो दिक्कत आ रही है तो बुरी स्थिति। आदमपुर के अंदर हम बैठे हैं और हाँ जी, इसे जो भजनलाल परिवार का गढ़ कहा जाता है, उनका किला कहा जाता है, इस किले को ढहाएंगे कैसे, इसमें छेद कैसे करेंगे, सेंध कैसे लगाएंगे? प्रजातंत्र में अगर आप वहां पे काम करोगे तो जनता साथ होगी। भजनलाल जी के नाम पे आज तक, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की लियाद से अभी तक ये बनते आए हैं, जी, तो लेकिन मेरे ख्याल से लोग काफी नाराज हैं। वैसे कार्यकाल तो उनका, भजनलाल जी का भी आपने देखा है, कुलदीप बिश्नोई जी का भी आपने देखा है, जब वो यहाँ से जो है लीडर के तौर पर चुनते गए, तो आप कितना फर्क मानते हैं दोनों में? डेफिनेटली इलाके के थे तो ऐसा था कि वो बहुत अप्रोचेबल थे, और वो जमाना भी ऐसा था कि भाई आरटीआई का जमाना नहीं था, तो लोगों के बहुत काम हुए, बहुत नौकरियां लगी थी, तो लोग बड़ा इजीली अप्रोच कर लेते हैं, जो अब नहीं है। तो अब लोगों का जो सुनने में आया है, जो लोगों में जिस बात का रोष है कि एक तो ये अप्रोचेबल नहीं है, आते नहीं है, जब जाते हैं तो मिलते नहीं है, और बाकी
बाकी काम भी नहीं हो रहा आजकल तो ये भी सुनने में आता है। मैं भी देख रहा हूँ कि भाई 10 साल में तो कोई फर्क दिखा नहीं है। फिलहाल जो ना मौजूदा विधायक हैं यहाँ से भव्य बिश्नोई, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? यंग ब्लड है, क्या लगता है कि आदमपुर का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास वो करवा पाए? लोग तो ये कहते हैं कि वो इनसे भी कम उनका मिलना होता है, आना होता है। तो अब देखो लोगों में नाराजगी है। अब बात करते हैं कांग्रेस के परिवार के, भाई आदमपुर तो मैं तो बढ़ता ही जा रहा है, एक दर्जन के करीब जो है यहाँ से उम्मीदवार है कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते हैं, कोई हुड्डा के ट्रक में सवार है तो कोई कुमारी सलजा में, कैसे जो है अपनी तान बजाएं? कांग्रेस का अपने आप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाजपा से नाराजगी है। जो भाजपा की जो नीतियां थी, जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उन्होंने वो किसान आंदोलन देखा, जो दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई उससे लोग बहुत रोष्ट है। फिर जो खिलाड़ियों के साथ देख लो जी, चाहे कर्मचारियों के साथ देख लो, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वो चक्कर काटे जा रहे हैं, सरपंचों को अब लुभावने वादे करे जा रहे हैं, सरपंचों का सबने देखा कि कैसे उनकी डंडों से पिटाई हुई। तो वो भाजपा से रोष्ट है लोग, तो भाजपा से रुष्ट होने की वजह से आप देख लो कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ब्रेक न्यूज की खास पेशकश सीधी बात। वही आज सारे मेरे दर्शकों को लेकर के आई हूं आदमपुर हलके के अंदर, वही आदमपुर हलका जो हमेशा से चर्चाओं में रहता है, कभी चौधरी भजनलाल जी के नाम की वजह से, कभी अपने उपचुनाव की वजह से, और आज दर्जन भर से ज्यादा अपने अंदर जो जितने उम्मीदवार जो है इस हलके के अंदर हैं उस वजह से। खैर भाई, दावेदारी जो है अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से मजबूत की जा रही है, ऐसे में एक और जो प्रत्याशी हैं जिनकी दावेदारी मजबूत रूप से देखी जा रही है वो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय जोहर मेरे साथ हैं। सर स्वागत करते हैं सिटी ब्रेक न्यूज़ पर। नमस्कार जी, थैंक यू अंकिता जी। सर जी, लंबी छुट्टी लेकर के आज आप आ गए हैं आदमपुर हलके के अंदर, तो छुट्टी लेकर के आए हैं, NOC लेकर के आए हैं या सीधी टिकट लेकर के आए हैं रोहतक से? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है टिकट लेके आने की, ये अब मैं नौकरी में हूँ तो एक प्रक्रिया है, तो यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से NOC लेके मैं फील्ड में आ सकता हूँ जी। वैसे तो उस हिसाब से मैंने NOC लिया, यूनिवर्सिटी ने मेरे को NOC दिया और छुट्टी लेके आया हूँ और अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ, ऐसे कोई टिकट का ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं। रोहतक बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सर्वे के हिसाब से जो होगा वो जी। वैसे रोहतक से आए हैं, हुड्डा साहब के काफी करीब से आए हैं, उनके काफी करीबी भी माने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चर्चा तो हुई होगी टिकट को लेकर? नहीं नहीं, अपनी दावेदारी दी है मैंने, ऐसे कोई चर्चा नहीं हुई है। रोहतक में मेडिकल कॉलेज है, बाय चांस हुड्डा साहब का घर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बात करके ही आया हूँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ठीक है, जानते हैं, पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और अपनी दावेदारी, ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा कि भाई है ना लेके जाओ, अगर मैं मजबूत होऊंगा तभी मिलेगी, बाकी सर्वे में जो आएगा जी। अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पिछले कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर जो है ना लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में किसी की लाइफ सेट हो जाती है इसीलिए आते हैं, आपकी तो पहले से फ्यूचर लाइफ सब कुछ सेट है, रोहतक के अंदर जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और बड़े अच्छे स्तर पर आप काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड से एकदम से डॉक्टरी फील्ड से हटकर एकदम से पॉलिटिक्स में क्यों? नहीं देखो, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हूँ, पर प्रोफेसर हूँ कई सालों से डिपार्टमेंट में, और बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ है, सेवा कर रहा हूँ वहाँ पे, अपने इलाके में सेवा करना चाहता हूँ, तो राजनीति ही एक माध्यम है जिससे मैं अपना दायरा बड़ा कर सकता हूँ जी। तो वहाँ पे तो चलो जो कर रहा था 30 साल हो गए मेरे को वहाँ पे जो लोगों की सेवा करते हुए जी, और उसको सेवा कह लो या अपना काम कर लो जी, अपना काम निष्ठापूर्वक। बिल्कुल, देखिए आदमपुर के अंदर हम बैठे हैं और इसे जो भजनलाल परिवार का गढ़ कहा जाता है, उनका किला कहा जाता है, इस किले को ढहाएंगे कैसे, इसमें छेद कैसे करेंगे, सेंध कैसे लगाएंगे? देखो सेंध की बात नहीं है, भजनलाल जी का डेफिनेटली गढ़ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भजनलाल जी जो थे अपने वक्त में उन्होंने बहुत काम किए थे और भजनलाल जी का तो कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद क्या है, प्रजातंत्र में अगर आप वहां पे काम करोगे तो जनता साथ होगी। भजनलाल जी के नाम पे आज तक उन्हीं के नाम पे उन्हीं की लियाद से अभी तक ये बनते आए हैं जी। तो लेकिन मेरे ख्याल से लोग काफी नाराज हैं और जो देखने में आया है कि लोगों से सुनने में आया है कि
अप्रोचेबल नहीं है। अब नाराजगी क्या है वो लोगों को पता है, काफी नाराज हैं जी। तो वैसे कार्यकाल तो उनका भजनलाल जी का भी आपने देखा है, कुलदीप बिश्नोई जी का भी आपने देखा है, जब वो यहाँ से जो है लीडर के तौर पर चुनते गए, तो आप कितना फर्क मानते हैं दोनों में, आप पर्सनली? नहीं देखो, मैं भजनलाल जी का जो कार्यकाल था उस वक्त मैं पढ़ता था, उस वक्त कोई ज्यादा रुचि भी नहीं थी राजनीति में, पर डेफिनेटली इलाके के थे तो ऐसा था कि वो बहुत अप्रोचेबल थे, और वो जमाना भी ऐसा था कि भाई आरटीआई का जमाना नहीं था, तो लोगों के बहुत काम हुए, बहुत नौकरियां लगी थी, तो लोग बड़ा इजीली अप्रोच कर लेते हैं, जो अब नहीं है। तो अब लोगों का जो सुनने में आया है, जो लोगों में जिस बात का रोष है कि एक तो ये अप्रोचेबल नहीं है, आते नहीं है, जब जाते हैं तो मिलते नहीं है, और बाकी काम भी नहीं हो रहा आजकल तो ये भी सुनने में आता है, मैं भी देख रहा हूँ कि भाई 10 साल में तो कोई फर्क दिखा नहीं है। पहले तो ये सुनने में आता था कि कभी कभी आते हैं, आजकल तो सुनते हैं जी होली दिवाली पे पहले छुट्टियां मनाने आ जाते थे, आजकल तो वो भी नहीं आ रहे। अब मुझे नहीं पता कि कितना आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं मिला हुआ इनसे, और ना कभी मैं ये नजर रखता हूँ। फिलहाल जो ना मौजूदा विधायक है यहाँ से भव्य बिश्नोई, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? यंग ब्लड है, क्या लगता है कि आदमपुर का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास वो करवा पाए? देखो जब आए थे बड़े जोश में थे, और यंग है, पढ़े लिखे हैं, और अच्छे उसके साथ आए थे, और बाकी लोगों में ज्यादा अभी भी वही है कि लोग तो ये कहते हैं कि वो इनसे भी कम उनका मिलना होता है, आना होता है, तो अब देखो लोगों में नाराजगी है, उनसे भी ज्यादा नाराजगी इनसे है, तो शायद क्योंकि काम तो अभी हुए नहीं है। अब जो कह रहे हैं ये कि 700 करोड़ रुपए के सैंक्शन करवाई है, 700 करोड़ आपको भी पता है अगर सैंक्शन हुए हैं तो वो हो क्यों नहीं, काम स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहे, वो सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों दिखता है कि वो खोदने लग गए और सब पाइपें डल रही है, तो उसको आप कह देंगे कि भाई हम तो करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों में नाराजगी है। चलिए उसके बाद अगर बात करें, ये तो जो है भजनलाल परिवार की बात हुई, अब बात करते हैं कांग्रेस के परिवार के। भाई आदमपुर तो में तो बढ़ता ही जा रहा है, एक दर्जन के करीब जो है यहाँ से उम्मीदवार है कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते हैं, कोई हुड्डा के ट्रक में सवार है तो कोई कुमारी सलजा में, कैसे जो है अपनी तान बुझाएंगे? नहीं देखिए, कांग्रेस के बढ़ता जा रहा नहीं है, कांग्रेस का अपने आप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाजपा से नाराजगी है, जो भाजपा की जो नीतियां थी, जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उन्होंने वो किसान आंदोलन देखा, जो दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई उससे लोग बहुत रोष्ट है, फिर जो खिलाड़ियों के साथ देख लो जी, चाहे कर्मचारियों के साथ देख लो, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वो चक्कर काटे जा रहे हैं, सरपंचों को अब लुभावने वादे करे जा रहे हैं, सरपंचों का सबने देखा कि कैसे उनकी डंडों से पिटाई हुई, तो वो भाजपा से रोष्ट है लोग, तो भाजपा से रुष्ट होने की वजह से आप देख लो कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है, और जितने लोग इतने बढ़ रहे हैं कि टिकट की दावेदारी बहुत ज्यादा है, दावेदारी क्यों ना हो, सब लोगों ने मिलके वहां पे मेहनत करी थी, लोकसभा इलेक्शन में भी मेहनत करी थी, पार्टी को नाम करने के लिए उनकी नीतियां जो जन जन तक पहुंचाने में सबने मेहनत करी थी, तो उनका प्रजातंत्र में है कि भी उनकी दावेदारी बनती है, बिल्कुल दावे पेश कर रहे हैं। तो यही मेरा सवाल है कि इतनी भीड़ में, दावेदारों की इतनी भीड़ में, संजय जौहर अपनी दावेदारी सबसे मजबूत किस तरीके से करेंगे, किस बिहाफ पे करेंगे? मैं दावेदारी तो मजबूत यही है कि मैं तो लोगों के बीच में जाके सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं आपके लिए बढ़िया करूँगा, वो लोगों का मैं उन लोगों के काम आता भी रहा हूँ, मैं हर लोगों के जो भी आए थे, क्योंकि मेरा दायरा वो वहीं तक का था, तो वहाँ मैं अप्रोचेबल था, लोग मेरे को समझ रहे हैं, बिल्कुल जब भी लोग उम्मीद से जाते थे तो रोहतक में आप हमेशा जो है खुली भाव के साथ स्वागत करते हुए मिलते थे, लेकिन क्या अब वो लोगों को डॉक्टर संजय जौहर याद रहेंगे, क्या याद रहेंगे कि उन्होंने आपकी मदद की थी, तो अब लोगों को भी करनी चाहिए? देखो मेरा काम है लोगों के पास जाना, उनको पूरा विश्वास दिलाना कि मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, मैं इनसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा जी, लोगों को लगेगा वो साथ देंगे, लोगों को जो और कोई सभी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, सब लोगों को देखो जनता जनार्दन है, जो जनता जिस पे विश्वास करेगी
वो लोग आ जाएंगे जी। मनीराम जी के दोहते हैं आप, नाती हैं, तो वो लेगेसी कितनी हेल्पफुल रहने वाली है, कितनी मददगार रहने वाली है आदमपुर इलेक्शन के अंदर ये चुनाव लड़ने में या ये गढ़ ये किला हिलाने में कांग्रेस के लिए आपके लिए? खैर किला विला तो क्या है, पर चौधरी मनीराम जी को द्वारा बहुत पुराने लीडर थे, जो भी पुराने लोग उनकी शख्सियत को जानते हैं वो बहुत मजबूत थे, अपने बात के पक्के थे, जो वो कह देते थे वो करते थे, और इंडिपेंडेंस के बाद से ही वो फर्स्ट असेंबली के मेंबर भी रहे, एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक उनकी छवि पे किसी ने कोई दाग नहीं लगाया, किसी ने उंगली उठा के नहीं करी, और हमेशा उनको मजबूत नेता के तौर पे जाना जाता है। चलिए, और पुराने लीडर हैं। आखिरी सवाल मेरा आदमपुर के लिए, क्योंकि आदमपुर में बैठे हैं और आदमपुर का जिक्र है, तो क्या मुद्दे मानते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आदमपुर के अंदर होने चाहिए या जिन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, आपका विजन क्या है? नहीं देखो, बीइंग अ डॉक्टर मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य का देखूंगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर है वहाँ पे जी। आप अगर घूमे हो, डाणियां हैं इतनी सारी है, इतने इंटीरियर्स के गांव है, अगर रात बिरात कोई बीमार हो जाए तो उनको डॉक्टर या कोई भी नर्स वगैरह मिलना ही मुश्किल है, तो स्वास्थ्य एक बहुत जरूरी मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि हर गाँव में ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि सबको कम से कम इस चीज से महरूम ना रहे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, ढाणियां बहुत सारी हैं, ढाणियों के रास्ते कच्चे हैं, ढाणियों तक आज तक इस मतलब 100 साल पूरे होने को ही और हैं अपन, और उनके बिजली से महरूम है, तो पीछे से बिजली के खम्बे लगाए थे वो भी उखाड़ ले गए, तो बहुत सारी ढाणियों में बिजलियां भी नहीं है, तो और ये अपने आदमपुर में क्या है कि पीछे से जो सुनने में आ रहा है कि सारी सड़कें खुदी हुई है और जो पीने का पानी है वो सीवर का मिक्स होके आ रहा है, तो उनको पीने का पानी भी इतना नहीं है, तो सबसे पीने का पानी, साफ पीने का पानी, पीने लायक पानी, ये तो बिल्कुल ही बेसिक नीड है। बिल्कुल, जो मेरे को लगता है कि आज के दौर में जब अपन विकसित भारत की बात करने की सोचते हैं तो कम से कम है ना हमें ये सोचना चाहिए कि हर गांव में आरओ प्लांट लगे हुए हो तो साफ पीने का पानी तो मिले जी। इस दौर में अगर सीवर का पानी पीना की वो दिक्कत आ रही है तो बुरी स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अंकित जी। तो ये है मेरे साथ डॉक्टर संजय जौहर, फिलहाल आदमपुर में पहुंच गए हैं, लंबी छुट्टियां लेकर के चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कमर कस ली है और मैदान में जो है आदमपुर के लोगों को अब लगातार ये दिखते रहेंगे। खैर, इनको लेकर के आपकी राय क्या है और इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।